आज हम एक ऐसे स्टॉक इन्वेस्टिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे जो शायद आपको रिडिकुलसली सिंपल लगे, बट एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है स्टॉक इन्वेस्टिंग प्रैक्टिस करने के लिए। क्या है ये प्रोसेस? बेसिकली ये 4-स्टेप प्रोसेस है। अपना स्टॉक वॉच लिस्ट क्रिएट करें। पैरेलली जब आप ये वॉच लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो अपना इन्वेस्टमेंट फंड बिल्ड करें। तीसरा, स्टॉक मार्केट को ऑब्जर्व करते रहें, प्राइस मूवमेंट्स देखते रहें। और चौथे स्टेप में ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करें और फिर इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। तो बेसिकली यही 4 स्टेप है जिसको यूज करके आप एक इफेक्टिव लॉन्ग टर्म स्टॉक इन्वेस्टिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको ये लगेगा कि ये तो इतना सिंपल मेथड है, ये इफेक्टिव कैसे हो सकता है? स्टेप 1 सबसे जरूरी है, अच्छे स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में ऐड करें। बहुत सिंपल है, किसी से भी बात कर लो, आपको वो बताएगा भाई ये वाली शेयर्स बहुत अच्छी है, आप उसको अपने एक्सेल शीट में ऐड कर लो। इस तरह से वॉच लिस्ट ना बनाएं क्योंकि इससे आपको ज्यादा हेल्प मिलेगा नहीं। मेरा सजेशन है कि आप अपने स्टॉक की प्रॉपर एनालिसिस करें, वो स्टॉक अगर फंडामेंटली स्ट्रांग लगता है तो वॉच लिस्ट में ऐड करें। तो यहाँ पर 2 एक्टिविटीज, पहला आप स्टॉक को आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये फंडामेंटली स्ट्रांग है, और दूसरा उसको वॉच लिस्ट में ऐड कैसे करना है। तो आप हमारी ऐप यूज कर सकते हो इसके लिए। ये ऐप आपको ये भी बताएगी कि ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है या वीक है, और दूसरी ये आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करने की फंक्शनैलिटी भी देती है। तो सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि कैसे पता चले हमें कि एक पर्टिकुलर स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं। देखा जाए तो एक कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए उसकी ईयर्स ऑफ बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को रीड करना पड़ता है और इंटरप्रेट करना पड़ता है। बिकॉज आप हमारी ऐप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर इस ऐप की जो एल्गोरिथम है ये बैकग्राउंड में 10 साल के स्टॉक के डेटा को एनालाइज करती है और इस एनालिसिस के बाद एक स्पाइडर डायग्राम उसका क्रिएट करती है। इस स्पाइडर डायग्राम में आप देखेंगे देर आर 6 पैरामीटर्स और इस 6 पैरामीटर्स के बेसिस पे हर स्टॉक को वो एक ओवरऑल स्कोर देती है। बेसिकली 6 पैरामीटर्स क्या है, चेक करती है कि क्या ये ग्रोइंग कंपनी है, क्या ये प्रॉफिटेबल कंपनी है, क्या आज के डेट में इसकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है, क्या इसकी मैनेजमेंट स्ट्रांग है कि नहीं, और क्या कॉम्पिटिटर्स के रेस्पेक्ट में ये कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, स्ट्रांग है, वीक है, कॉम्पिटिटर्स बेटर है या ये बेटर है, उस तरह से इस कंपनी को ये जज करती है। और फाइनली वो उसकी प्राइस वैल्यूएशन भी चेक करती है। तो इन 6 पैरामीटर्स को यूज करके इस हमारे ऐप का जो एल्गोरिथम है वो एक ओवरऑल स्कोर देता है हर कंपनी को। तो अगर किसी भी कंपनी का ओवरऑल स्कोर 75% से ऊपर जाता है तो हम एक अजम्पशन कर लेते हैं कि ये स्टॉक रीजनेबली स्ट्रांग है, इसकी फंडामेंटल्स रीजनेबली स्ट्रांग है। तो ऐसे स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में ऐड कर दें। वॉच लिस्ट में ऐड करने की भी फंक्शनैलिटी इस ऐप में है। क्विकली मैं दिखाता हूं कि किसी भी स्टॉक को आप कितनी आसानी से वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक कंपनी की स्टॉक पेज ओपन है। यहां पर आप ऊपर ही चेक करोगे देर आर 2 आइकॉन्स देर। पहले आइकॉन जो पोर्टफोलियो का आइकॉन है उस पर आप हवर करोगे तो यहां पर एक स्टेटमेंट आएगा एड स्टॉक टू पोर्टफोलियो। अभी आपको स्टॉक पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करना, आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना है। तो उसी के एडजेसेंट जो आइकॉन है वो वॉच लिस्ट आइकॉन है और वहां पर आप हवर करोगे तो आप देखोगे एड स्टॉक टू वॉच लिस्ट का एक मैसेज आएगा। तो आप जस्ट उस आइकॉन को एक बार सिंगल क्लिक कर दो। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास ये मैसेज आएगा जो कहेगा कि डन, स्टॉक एडेड टू योर वॉच लिस्ट। तो आप एक बार चेक भी कर सकते हो जाके टॉप मेन्यू बार में। आप यहाँ एक पोर्टफोलियो का आइकॉन देखोगे, उसको एक सिंगल क्लिक करो, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा उसको आप फिर क्लिक करो और यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो और वॉच लिस्ट वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ देखोगे 2 सेक्शन है, एक पोर्टफोलियो का सेक्शन है और एक वॉच लिस्ट का सेक्शन है। तो ये जो वॉच लिस्ट का सेक्शन है यहाँ पर हमने स्टॉक को ऐड किया था, तो देखिए यहाँ पर एक लाइन आइटम यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो अगर आप हमारा ऐप यूज करोगे तो स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में ऐड करना बहुत आसान हो जाएगा। एक सिंगल क्लिक पे स्टॉक्स वॉच लिस्ट पे ऐड हो जाती है। तो आपने अभी तक क्या किया, आपने एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को आइडेंटिफाई किया और उसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया। इसी तरह करीब 25-30 स्टॉक
आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर। अब एक बार आपकी एक वॉच लिस्ट क्रिएट हो जाती है 25-30 स्टॉक की, तो फिर क्या करना है, इसके बाद आप इन स्टॉक्स को ऑब्जर्व करते रहो, इन स्टॉक के प्राइस मूवमेंट्स को बेसिकली ऑब्जर्व करना है। आपने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर लिया है कि ये स्टॉक अच्छी स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, पर आपने उस वक्त इसको नहीं खरीदा क्योंकि शायद उस वक्त ये ओवर वैल्यूड प्राइस पे ट्रेड कर रही थी। जनरली जो भी फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स है, ब्लू चिप स्टॉक्स है, वो काफी ओवर वैल्यूड प्राइस पे ही ट्रेड करती है, तो हर वक्त तो आप ऐसे स्टॉक्स खरीद नहीं पाओगे। इसीलिए आपने एक वॉच लिस्ट क्रिएट किया और उस वॉच लिस्ट में आप ऑब्जर्व करोगे कि क्या अभी इसकी प्राइस फॉल करना स्टार्ट कर रही है कि नहीं, क्योंकि जनरली अच्छी स्टॉक्स की जब प्राइस फॉल कर रही होती है वही सही समय होता है इसको खरीदने का। यहां पर जब आप वॉच लिस्ट ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि किसी भी स्टॉक का यहां पर प्राइस वर्सेस इंट्रिंसिक वैल्यू का कंपैरिजन आप कर सकते हो। कोई भी स्टॉक, सपोज देख 100 रुपए की स्टॉक है और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, जो एस्टिमेटेड इंट्रिंसिक वैल्यू है हमारे ऐप के द्वारा, वो 10 रुपए है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू 10 रुपए, प्राइस 100 रुपए, 10 गुना लेवल पे वो ट्रेड कर रही है, तो ऐसी स्टॉक बहुत ही ओवर वैल्यूड होती है। जनरली कोई भी स्टॉक अगर इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रही है तो वो एक इन्वेस्टेबल रेंज में रहती है, अदरवाइज जो बहुत ओवर वैल्यूड स्टॉक है उसको टच नहीं किया जाए तो बेटर है। तो ये जो प्रोसेस है जहां पर कि आप इजिली स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, आप उसकी ओवरऑल स्कोर चेक कर सकते हो, आप उसकी प्राइस वर्सेस इंट्रिंसिक वैल्यू को कंपेयर कर सकते हो, एक ऐसा वॉच लिस्ट टूल आपको मिल जाए तो आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि जनरली इस तरह का रिपोर्ट हम लोग को मिल नहीं पाता स्टॉक के बारे में। हम पहला ये समझ नहीं पाते कि ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं, दूसरा हम उसकी प्राइस जजमेंट भी ठीक से नहीं कर पाते, पर इस तरह की एक वॉच लिस्ट रिपोर्ट अगर आपको मिल जाए जहां पर कि आपकी आपको फंडामेंटल स्ट्रेंथ भी पता चल रही है और आपको एक प्राइस वैल्यूएशन का भी आइडिया मिल रहा है, तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड हो जाता है। तो वंस यू हैव एडेड ऑल योर स्टॉक्स टू द वॉच लिस्ट, द नेक्स्ट स्टेप इज टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग द कैश। बेसिकली कैश एक्यूमुलेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है स्टॉक इन्वेस्टिंग के टाइम। पैरेलली जब आप अपने स्टॉक को एनालाइज कर रहे हो, उसको वॉच लिस्ट में ऐड कर रहे हो, इसके पैरेलल आपको एक एक्टिविटी और भी करनी है, कैश एक्यूमुलेशन, अपना इन्वेस्टमेंट फंड बिल्ड करना। सपोज कल स्टॉक मार्केट मेजर करेक्शन होता है और आपके पास पैसा ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो क्या फायदा हुआ इतना एनालिसिस करने का, इतना वॉच लिस्ट क्रिएट करने का। तो बहुत जरूरी है कि आपके इन्वेस्टमेंट फंड में हमेशा सफिशियंट पैसा रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। जैसे ही आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है मंथ के फर्स्ट डेट में, आप उसको एक फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट करके बैंक में साइड कर दो और उसको एक नाम दे दो कि भाई ये मेरा इन्वेस्टमेंट फंड है और इसको मैं किसी और चीज के लिए यूज नहीं करूंगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप देखोगे 1.5-2 साल में एक बार मौका मिलता है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि 1.5-2 साल में एक बार तो स्टॉक मार्केट करेक्ट हो ही जाता है। तो ये जो करेक्शन वाला जो टाइम है, जो कि 1.5-2 साल में एक बार ही आता है, इस वक्त आपको ये पैसा जो आप अभी रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो, उस वक्त इन डिपॉजिट्स को ब्रेक करके आपको ये पैसा उठा के स्टॉक मार्केट में डालना है। तो देखिए, आपने अभी तक 3 चीज कर ली, आपने एक वॉचलिस्ट क्रिएट किया अच्छे स्टॉक्स का, आपने ऑब्जर्व करने का एक पैटर्न बना लिया जहां पर कि आपको पता भी चल रहा है कि स्टॉक की ओवरऑल स्कोर क्या है, इस स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, स्टॉक की करंट प्राइस क्या है, प्लस पैरेलली आप अपना इन्वेस्टमेंट फंड भी बिल्ड कर रहे हो। तो जैसे ही वो मौका आएगा खरीदने का, आपके पास पैसे भी होंगे और आपको ये भी पता होगा कि आपको पैसे लगाने का है। ऐसा स्टेज आ सकता है जहां पर कि आपके पास इन्वेस्टमेंट फंड अच्छी खासी बिल्ड हो गई है, आपकी वॉच लिस्ट भी अच्छी खासी तैयार है, लेकिन आपको इन्वेस्ट करने का मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि स्टॉक मार्केट बुलिश ही है, ऊपर ही जा रहा है। तो ऐसे टाइम में आप देखोगे कि जो स्टॉक्स आपने वॉच लिस्ट में लगाया था वो ओवर वैल्यूड लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है, पर आपको उस वक्त वेट करना है। ये इतना आसान नहीं है, कहना बहुत आसान है, उस वक्त लगता है नहीं पैसा है इन्वेस्ट कर देते हैं, पर ऐसा करिए मत, वेट करना उस समय बहुत जरूरी है।
अब मैं आपको एक डेटा बताता हूं कि हर 10 साल में एक बार मार्केट क्रैश होता है और एवरी 1.5-2 साल में छोटी मोटी करेक्शंस होती रहती है। तो करेक्शंस पे पैसा लगाएं और जब क्रैश हो उस वक्त तो अच्छी मात्रा में पैसा लगाएं। आपको करेक्शंस और क्रैश दोनों का ही वेट करना है। और उस वक्त कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, अपने वॉच लिस्ट स्टॉक्स में। इधर उधर इन्वेस्ट मत कीजिए, अपने वॉच लिस्ट स्टॉक्स में कीजिए। तो वेटिंग जो है, स्टॉक मार्केट को ऑब्जर्व करते रहना और वेट करना, ये भी एक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के स्टेप में ही आता है, बहुत जरूरी है। अगर आप स्टॉक इन्वेस्टर, एक अच्छे स्टॉक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको वेट करना भी आना चाहिए, हर वक्त इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं है। एक बार आपने अपने स्टॉक्स को परचेज कर लिया, अपने वॉच लिस्ट स्टॉक्स को परचेज कर लिया, उसके बाद एक माइंडसेट ये आता है कि इस स्टॉक को कब बेचा जाए। सपोज आपने एक स्टॉक को 100 रुपए में खरीदा, वो 135 रुपए हो गया, तो आपको लगता है अरे 35% रिटर्न है, बेच देते हैं। पर जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस तरह से इन्वेस्ट नहीं करते। आपने जो वॉच लिस्ट में जो स्टॉक्स ऐड किया था वो सब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। इसका मतलब क्या है? वो ऐसी स्टॉक्स है जो आज भी फंडामेंटली स्ट्रांग है और बहुत चांसेस है कि वो आगे भी एक अच्छी कंपनी ही बनी रहे। तो आपने अपने पोर्टफोलियो में फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स को ऐड किया है। इस स्टॉक्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि ये बहुत फास्ट, कंपैरेटिवली फास्ट मल्टीप्लाई करती है बाकी कंपनीज के कंपैरिजन। तो ऐसे स्टॉक्स मल्टीप्लाई तो करते हैं फास्ट, लेकिन आपको इनको समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये 1 साल 2 साल 3 साल में ही बहुत ग्रो कर जाएगी। ये स्टॉक्स ग्रो करती है और कंटिन्यूअसली ग्रो करती ही रहती है। तो माइंडसेट आपका क्या होना चाहिए कि एक बार आपने ऐसी वाली स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर ली, उसके बाद आप माइंडसेट ऐसा रखें कि इसको एटलीस्ट 7, 8, 10 साल 15 साल होल्ड करके रखना है। तो यहां पर आपको एडवांटेज मिलेगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। शॉर्ट टर्म में इन स्टॉक्स की प्राइस वॉलेटाइल रहेगी, ऊपर नीचे होगी, आपको लगेगा क्या कंपाउंडिंग हो रहा है, ये तो लॉस हो रहा है। लेकिन अगर आप किसी भी अच्छे स्टॉक का, टीसीएस का देख लीजिए, विप्रो का देख लीजिए, इंफोसिस का देख लीजिए, हिंदुस्तान यूनिलिवर देख लीजिए, इन स्टॉक्स का एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड आप देखेंगे तो ये बिल्कुल ऊपर ही जाता है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल हो सकता है पर ऊपर ही जाता है। तो कंपाउंडिंग यहां पर भी होता है बट शॉर्ट टर्म में चूंकि वॉलिटिलिटी है तो लोग थोड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये रियली कंपाउंडिंग है कि नहीं। पर एक्चुअली में कंपाउंडिंग है, कंपनी तो कंपाउंड कर रही है। अगर कंपनी कंपाउंड कर रही है तो उसकी स्टॉक्स भी कंपाउंड करेगी। तो कंपाउंडिंग है और इस कंपाउंडिंग का एडवांटेज लेने के लिए आपको इन अच्छे स्टॉक्स को सही प्राइस पे खरीद के लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है। तो आपने देखा ये 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए अच्छे स्टॉक्स को, पहला उसको एनालाइज कीजिए, फिर वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए, उसके बाद पैरेलली अपने जो कैश बैलेंस है उसको बिल्ड करते रहिए, मार्केट को ऑब्जर्व करते रहिए, और जब मार्केट करेक्शन हो या क्रैश हो उस वक्त आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। एक बार आपने पैसा इन्वेस्ट कर लिया, कोई अच्छा स्टॉक्स खरीद लिया, उसको फिर लॉन्ग टर्म तक होल्ड कीजिए टू गेट द बेनिफिट ऑफ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कोई भी इसको प्रैक्टिस कर सकता है और इस तरह से स्टॉक इन्वेस्टिंग करने में कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है। ये एक रिडिकुलसली सिंपल प्रोसेस है और ऐसे स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म में होल्ड करने से आपको एक मार्केट बीटिंग रिटर्न तो मिल ही जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।